संसद में भी किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। आरजेडी के मनोज झा और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया तो बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया। शाम ढले खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दंभ से देखे, गुरूर से देखे। दंभ और गुरूर लोकतंत्र की जुबान नहीं है। किसानों से चर्चा करने के लिए उन्होंने बस टू मिनट्स मोर उन्होंने ठीक है कृषि मंत्री जी को लगाया, साथ में पीयूष गोयल जी को रखा। पीयूष गोयल जी का कोई लेना देना है किसानों से? अरे किसी को रखना था तो राजनाथ सिंह जी को रखना चाहिए था। किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी पूरे किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे हमेशा, मैंने उनके दो वीडियो देखे हैं, राकेश टिकैत के साथ उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं, हम किसान का साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया। पंजाब में केसरिया पगड़ी लगाकर उन्होंने वादा किया था हम किसानों का साथ देंगे। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौते में करने में क्यों नहीं लगाया? पीयूष गोयल जी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात का मुझे आश्चर्य है कि जिन लोगों ने ऐसे ही कानून की वकालत की थी आज वो क्या कह रहे हैं। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़े, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ABP News, आपको रखे आगे।